श्री राम मंदिर का नव निर्माण होने के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिवस सर्व समाज द्वारा कलश यात्रा के साथ प्रभु श्री राम जानकी लक्ष्मण के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 1 करोड़ रुपए के लगभग राशि के निर्माण से यह भव्य मंदिर पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्राचीन श्री राम मंदिर के नव निर्माण के 5 दिवसीय कार्यक्रम में सुंदरकांड, भजन संध्या, रामचरितमानस पर व्याख्यान कवियों द्वारा, साथ ही संगीत निशा एवं महाआरती का आयोजन भी किया गया है। प्रातःकाल कलश यात्रा राम मंदिर प्रांगण से प्रारंभ ग्राम के प्रमुख मार्गों से वापस मंदिर प्रांगण पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त नृत्य और कला के प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रभु श्री राम जयकारे लगाने के साथ ही भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। वहीं ग्राम के व्यापारी संघ शंभू सेना, मां नरुदे हर ग्रुप, दशोरा समाज एवं सकल हिंदू समाज ने जगह जगह मंच लगाकर शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया। इस शोभा यात्रा में ग्राम और आसपास के बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। बरुड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। मैं आज बरुड़ से रामेश्वर कुमरावत, HW24 न्यूज रिपोर्टर हूँ। आज हमारे समाज में एक वरिष्ठ आदमी द्वारा समाज को लेकर कितना उत्थान और कितना कार्य किया गया है, उनको लेके मैं आपके समक्ष कुछ उनसे चर्चा करवाता हूँ। आपने समाज के लिए कुछ कैसे कैसे कार्य करे हैं? समाज के लिए कार्य, पहले तो कुमराव समाज की एक धर्मशाला बनाई जन सहयोग से, समाज के सहयोग से। बाद में धर्मशाला बनने के बाद में फिर हमने हमारे पूर्वजों के हाथ का मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर का जीर्ण उद्धार का सोचा और पूरे समाज का सहयोग रहा और समाज ने हमें 1 करोड़ के आसपास में चंदा दे के आज श्री राम जी का दरबार, शिव परिवार का दरबार बना है। आज से उनकी स्थापना होगी। समाज के लिए और आगे क्या करना चाहते हैं? समाज के लिए आगे करना है, समाज के लिए आगे अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी समाज के लिए एक धर्मशाला बाकी है, वो और बनाना है और पूरा समाज का सहयोग रहेगा और समाज में बहुत से आगे सामूहिक विवाह भी करेंगे। कोविड कोरोना की वजह से हमारे सामूहिक बंद हो गए थे, अगले वर्ष से और सामूहिक चालू करेंगे हम। आप नई कार्यकारिणी बनाए गए, आपने अध्यक्ष किनको चुना है? नई कार्यकारिणी में चंपालाल जी कुमरावत है और उनका मेरा उनको पूरा तन मन धन से सहयोग रहेगा। वो रात में भी बुलाएंगे तो रात में भी उनके लिए मैं तैयार हूँ। अध्यक्ष मोदी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे समाज के हित के लिए? समाज हित के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वज द्वारा विक्रम संवत 2011 में ये हमारे कुमराव समाज का निर्माण मंदिर का होता, उसका जीर्ण उद्धार 2013 से इस राम मंदिर के लिए कार्यकारिणी गठित हुई और उसके सदस्य बनाए गए। सदस्य बनाने के बावजूद ये कार्यक्रम चलता रहा, वो उसका पूर्ण रूप से उसका पूर्ण मुहूर्त रूप दिया गया है 2022 में और उसका कार्यक्रम 1 तारीख आज से लगाकर 5 तारीख तक हवन यज्ञ और आखिरी रोज 5 तारीख को भंडारा, पूरे गांव समाज का भंडारा किया जाएगा। मैं आज समाज हित में बड़े लोगों द्वारा जो कार्य किए गए समाज हित में, मैं उनका मीडिया तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।